प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकालीन कवि बिहारी का जीवन परिचय एवं बिहारी सतसई का मंगलाचरण अर्थात बिहारी सतसई का प्रारंभिक प्रथम दोहा उसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कविवर बिहारी का जीवन परिचय। कविवर बिहारी लाल जी का जन्म लगभग 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम केशव राय चौबे अर्थात चतुर्वेदी थे। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तो इनके पिता इनको ओरछा ले आए थे और इनका बचपन बुंदेलखंड में ही व्यतीत हुआ। और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और वे युवावस्था अर्थात अपने विवाह उपरांत अपने ससुराल मथुरा में आकर के जीवन बसर करने लग गए थे। इसके संबंध में एक प्रचलित दोहा है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आए सुघर मथुरा बसी ससुराल। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ और इनकी बाल्यावस्था है वह बुंदेलखंड में, और इनकी तरुणाई अर्थात युवावस्था है वह मथुरा अर्थात अपने ससुराल में व्यतीत हुआ समय। कविवर बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। कविवर बिहारी रीतिकालीन काव्य धारा के अन्य कवियों में इनका अन्यतम स्थान है। वे बहुज्ञ, बहुश्रुत, प्रभावशाली, लोकानुभव से परिपूर्ण एवं रस सिद्ध कवि थे। उनकी बिहारी सतसई रीतिकाल का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। यद्यपि बिहारी सतसई का प्रमुख रस श्रृंगार है, लेकिन उसमें नीति, भक्ति, वैराग्य एवं सामाजिक व्यवहार विषयक अन्योक्तियों का दोहों के रूप में बड़ा सुंदर समावेश हुआ है। इसीलिए नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी उनकी सतसई में प्रवाहित होती है। उनकी सतसई का प्रत्येक दोहा कलात्मकता एवं काव्यात्मकता का अनूठा उदाहरण है और उनमें एक साथ अनेक भावों को भरने की अद्भुत क्षमता है। और इसी विशेषता को देख करके उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। इस आलोक से देखा जाए तो बिहारी के दोहों में व्यंजना की मात्रा इतनी सघन है कि वे क्षण भर में पाठक की संपूर्ण चेतना को एक चमत्कारिक सौंदर्य बोध की अनुभूति से भर देते हैं और इसी कारण उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिल पाई। जबकि उनकी सतसई में कुल मिलाकर केवल 713 ही दोहे हैं और उसके अतिरिक्त उनकी कोई अन्य काव्य कृति भी नहीं मिलती है। तो रीतिकाल में अनेक श्रृंगारी कवि हुए, लेकिन कवि बिहारी इनका अलग ही महत्व है। कविवर बिहारी जयपुर नरेश सवाई राजा जय सिंह के यहाँ पे वृत्ति प्राप्त करते थे। तो एक बार इनको अपनी वृत्ति के लिए इनको वहाँ बुलाया गया तो जयपुर नरेश सवाई राजा जय सिंह के दरबार में रह करके ये काव्य रचना करने लगे और उन्हें पर्याप्त धन और प्रसिद्धि भी मिली। उन्हें पता चला कि राजा जय सिंह है वो अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में इतने डूब गए हैं कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते हैं और राजकाज की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो सारे मंत्रीगण एवं लोग, गणमान्य लोग सभी बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी किसी में भी। तो बिहारी ने यह कार्य अपने जिम्मे लिया। तो उन्होंने एक दोहा लिख करके राजा के पास जैसे तैसे पहुंचा दिया और वह दोहा यह है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली गली ही सो बंध्यो आगे कून हवाल। तो इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया और उनकी आंखें खुल गई और पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। और वे बिहारी से इतने प्रभावित हुए, इतने प्रसन्न हुए कि वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी को और दोहे रचने के लिए अर्थात कि प्रत्येक दोहा रचने के लिए उन्हें एक अशर्फी अर्थात स्वर्ण मुद्रा देने का
वचन दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रह करके काव्य रचना करने लगे और वहीं उन्हें पर्याप्त धन और यश भी मिला। इस प्रकार से कविवर बिहारी एकमात्र उनकी जो रचना है बिहारी सतसई, यह एक मुक्तक काव्य है। इसमें 713 दोहे हैं और सतसई की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। सतसई को 3 मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला नीति विषयक और दूसरा भक्ति और अध्यात्म भाव परक और तीसरा श्रृंगार परक। तो इनमें से श्रृंगारात्मक भाग अधिक है, कला चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के साथ प्राप्त होता है। तो श्रृंगार का जो भाग है वह उसमें रूपांग अर्थात की काव्यांग सौंदर्य, सौंदर्य उपकरण, नायक नायिका भेद तथा हाव भाव विलास का कथन किया गया है। तो नायक नायिका निरूपण मुख्य रूप से मुख्यतः 3 रूपों में मिलता है। प्रथम रूप में नायक कृष्ण और नायिका राधा है। इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचार को ध्यान में रखा गया है, इसलिए इसमें गूढ़ार्थ व्यंजना प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म मर्म निहित है। द्वितीय रूप में राधा और कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, किंतु उनके आभास की प्रदीप्ति दी गई है और कल्पनादर्श रूप रच करके आदर्श चित्र विचित्र व्यंजना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। तो इससे इसमें लौकिक वासना का विलास नहीं मिलता है। और तीसरा रूप ये है कि उसमें लोक संभव नायक नायिका का स्पष्ट चित्र है। इसमें भी कल्पना कला कौशल और कवि परंपरागत आदर्शों का पुट पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। तो नितांत लौकिक रूप बहुत ही न्यून और बहुत ही कम है। तो सतसई के जो मुक्तक दोहों को जो क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया है वह 25 प्रकार से किया गया है, जिसमें 14 प्रकार के क्रम देखे गए हैं, शेष 19 प्रकार के क्रम जिन टीकाओं में हैं वे प्राप्त नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कविवर बिहारी कृष्ण उपासक थे। तो सतसई में देखने से स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी के लिए काव्य में रस और अलंकार, चातुर्य चमत्कार तथा कथन कौशल दोनों ही अनिवार्य और आवश्यक है। उनके दोहों को 2 वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। एक वर्ग में वे दोहे आएंगे जिनमें रस आदि का प्राबल्य है, रसात्मकता का ही विशेष ध्यान रखा गया है। अलंकार चमत्कार इनमें है लेकिन विशेष प्रधान नहीं है। दूसरा वर्ग उन दोहों का है जिनमें रसात्मकता को विशेषता नहीं दी गई, वरन अलंकार चमत्कार और वाक चातुर्य अर्थात कथन कला कौशल को प्रधानता दी गई है। तो किसी विशेष अलंकार को उक्ति वैचित्र्य के साथ सफलता से निभा गया है, उसका निर्वाह किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलंकार चमत्कार को कहीं नितांत भुलाया भी नहीं गया है। तो रस को उत्कर्ष देते हुए भी अलंकार कौशल का अपकर्ष भी नहीं होने दिया गया। इस प्रकार कहना चाहिए कि बिहारी रस अलंकार सिद्ध कवि थे, रस सिद्ध ही नहीं। तो नीति विषयक दोहों में वस्तुतः सरसता देखने को मिलती है, कठिन होता है उनको समझना। तो उनमें उक्ति वैचित्र्य और वाक चातुर्य वाकपटुता और बड़ा ही सुंदर चातुर्य चमत्कार का प्रभाव हम देख सकते हैं और वह इतना प्रभावी है कि वह ध्यान आकर्षण करने में सहायक होता है। यह बात नीति परक दोहों में स्पष्ट रूप से मिलती है, फिर भी बिहारी ने इनमें सरसता का सराहनीय प्रयास किया है। तो दार्शनिक सिद्धांतों और धार्मिक भाव मर्मों में भी प्रस्तुत करने में यह बात आती है कि उनमें अपनी विरसता स्वभावतः रहती है, फिर भी बिहारी ने उन्हें सरसता के साथ प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती सिद्ध कविवरों की मुक्तक रचनाओं जैसे आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक आदि से
मूल भाव लिए हैं। तो ये सारे जो संस्कृतकालीन हैं, तो कहीं उन भावों को काट छांट कर सुंदर रूप दिया है, तो कहीं कुछ उन्नत किया है, और कहीं ज्यों का त्यों ही उसे रख दिया गया है। तो बिहारी ने केवल दो ही छंद अपनी ये सतसई में अपनाए, दोहा और सोरठा। तो दोहा छंद की प्रधानता है, प्रमुख रूप से दोहा छंद में ही लिखा गया है। तो बिहारी के दोहे समास शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में इतने गहरे भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम था, यह अन्य कवियों में नहीं देखने को मिलता है। तो इसीलिए उनके बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार से कविवर बिहारी का यह प्रसिद्ध दोहा गागर में सागर भर देने का वाली जो उक्ति है उसको चरितार्थ करता है। अब हम देखते हैं बिहारी सतसई का जो प्रारंभ है वह मंगलाचरण से किया गया है। बिहारी जी ने अपनी जो रचना बिहारी सतसई है, मंगलाचरण स्वरूप यह दोहा प्रस्तुत है। इस दोहे के अंतर्गत कवि ने ग्रंथ रचना के प्रारंभ में कि मेरा ग्रंथ है वह किसी भी विघ्न बाधा से दूर रहे, कोई बाधा ना आए, और मेरा ग्रंथ या मेरी जो रचना है वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, सफलता से पूरी हो जाए, और इसी कामना के साथ वे कृष्ण और राधा की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होए। तो यह अवतरण है वह बिहारी सतसई से लिया गया है, और इसमें ग्रंथ रचना के प्रारंभ में अर्थात मंगलाचरण स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप इस रूप में प्रार्थना करते हुए राधिका के सुंदर स्वरूप का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। तो कविवर बिहारी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा अर्थात सांसारिक जो कष्ट हैं उन सभी को दूर करो, उनको नष्ट करो। हरो का अर्थ दूर करना, निवारण करना, नष्ट करना। तो कि मेरी जितनी भी सांसारिक बाधाएं अर्थात संकट हैं उन कष्टों को कि उन कष्टों का निवारण करो, अर्थात कि जितने भी मेरे देहिक भौतिक आदि जो भी ताप हैं या जो मोह लोभ क्रोध माया ये जितने भी सांसारिक बंधन हैं ये सारे कष्ट हैं इन सभी कष्टों का निवारण करें। तो कविवर बिहारी प्रार्थना करते हैं कि हे चतुर राधिके, राधा नागरी सोए का अर्थ नागरी का अर्थ यहाँ पे चतुर, कि हे राधा आप तो बड़ी चतुर हैं, तो आप जातन की छाई परे श्याम हरि दुति होए। छाई का अर्थ प्रतिबिंब, श्याम हरि दुति होए, दुति का अर्थ कांति चमक दमक वर्ण। इस दोहे में कविवर बिहारी कहते हैं कि जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा हरित हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण हैं वो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पे राधा और श्री कृष्ण की उपासना करते हुए उनसे प्रार्थना की है कि मेरी जितनी भी भव बाधाएं अर्थात सांसारिक कष्ट हैं या संकट हैं उन सबको दूर करो। कि हे राधिका आप तो बड़ी चतुर हैं, और कि आपके तो शरीर के प्रतिबिंब मात्र से श्री कृष्ण हैं वह प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। अब इस दोहे में श्लेष अलंकार का बड़ा ही चमत्कारिक वर्णन किया गया है। तो इस दोहे के अन्य अर्थात विशेष अर्थ भी लिए जाते हैं, तो उन विशेष अर्थ को हम देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागे सोए, जातन की छाई परे श्याम हरि दुति होए। कि वे चतुर राधिका जी
मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो, अर्थात कि मैं जित मेरे अंदर जितने भी सांसारिक बाधाएं अर्थात जितने भी भौतिक देहिक ताप हैं या माया मद मोह लोभ क्रोध आदि जितने भी सांसारिक जो बाधाएं हैं उन सबको दूर करो, और मैं अपने लक्ष्य में कि मेरी जो रचना है वह सफलतापूर्वक पूरी हो जाए और इस लक्ष्य में मैं सफलता पा सकूं। तो हे राधिका जी, कि आप तो इतनी सामर्थ्यवान हैं कि जिनकी शारीरिक परछाई पड़ने से, प्रतिबिंब पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जब परछाई मात्र से जो समर्थ भगवान हैं स्वयं, और वो परछाई मात्र अर्थात प्रतिबिंब मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, तो मेरी प्रार्थना से तो वे मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे, तो मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा। और इसका जो दूसरा जो विशेष अर्थ है वह इस प्रकार से कर सकते हैं कि हे राधा, आप बड़ी चतुर हैं, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनका ध्यान करने मात्र से समस्त प्रकार के दुख एवं पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं। अब इसका जब हम अर्थ करते हैं तो यहाँ पे श्याम हरित द्युति होए, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है, श्याम और हरित जो शब्द आए हैं, तो इनका जो अर्थ है वह इस प्रकार से है। श्याम का यहाँ पे प्रतीकात्मक जो अर्थ है वह काला अर्थात दुख, और हरित यहाँ पे इसका अर्थ है सुख पुण्य। तो यहाँ पे बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिनका ध्यान करने मात्र से समस्त प्रकार के दुख एवं पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं, अथवा दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतीकार्थ रूप में श्याम और हरित शब्द क्रमशः दुख पाप और पुण्य प्राप्ति के सूचक आए हैं। और इसका तीसरा अर्थ हम रंग विशेष की उनकी जो, क्योंकि कवि बिहारी बहुज्ञत अर्थात कि बहुत सारे विषयों के ज्ञाता थे, तो उनका जो रंग मिश्रण का जो उनकी जो सुनहरे रंग के साथ श्याम रंग के मिश्रण से हरा रंग बन जाता है, तो इस विशेषता का यहाँ पे वर्णन किया गया है श्याम हरे द्युति होए। तो इस पंक्ति को लेकर के इस दोहे की व्याख्या इस तरह से करेंगे कि सुनहरे रंग के अर्थात जातन की झाई परे, अर्थात जो राधिका है वो स्वर्णिम आभा वाली अर्थात पीत वर्ण की, और श्याम हरित अर्थात जो श्री कृष्ण हैं उनके जो उनकी जो शारीरिक कांति है अर्थात उनका रंग है वह सांवला है। तो इस प्रकार से सुनहरे रंग के साथ श्याम रंग के मिश्रण से हरा रंग बन जाता है, अर्थात कि जब पीला और नीला रंग जब मिलता है मिश्रण होता है उनका, तो वे हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार राधा की शारीरिक कांति से सांवले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे हरा भरा होना एक प्रसन्नता सूचक मुहावरा है जिसका यहाँ पे बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इसलिए वे राधा जी मेरी समस्त बाधाओं को अपने प्रतिबिंब मात्र से दूर करें। इस प्रकार से इस दोहे की जो विशेषताएं हैं वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि बिहारी है वो राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप का यहाँ पे प्रभाव दिखाई देता है, युगल स्वरूप की उन्होंने उपासना की है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसी कारण उन्होंने सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में आशीर्वाद पाने के लिए राधा की उपासना का संकेत किया है, और बिहारी सत्संग के अधिकांश दोहे नायक नायिका प्रधान है, तो मंगलाचरण में राधा और कृष्ण का जो युगल स्वरूप है उसका यहाँ पे बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया गया है। अब इसमें अलंकार देखते हैं, तो सबसे प्रमुख जो अलंकार इसमें आया है वह है श्लेष अलंकार, कि किसी एक शब्द में अनेक शब्द अर्थ जब निकलते हों एक शब्द के, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे श्याम और हरित जो शब्द आए हैं इन शब्दों के कारण इस दोहे में श्लेष अलंकार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे श्याम का अर्थ श्री कृष्ण, काला रंग दुख आदि अर्थ आए हैं, ऐसे ही हरित का अर्थ प्रसन्नता, हरा रंग और हरित द्वितीय अर्थात प्रसन्न चित्त, इस प्रकार से कई अर्थ छुपे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार का चमत्कारिक प्रभाव हमें दिखाई देता है। ऐसे ही इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार का
वर्णन आया है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जब उपमेय का लोप करके केवल उपमान का ही कथन किया जाए और उसी से उपमेय का अर्थ लिया जाए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और राधिका है वो उपमा उपमेय और उपमान है, तो राधिका का ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है, उनका ही कथन किया गया है। तो इस कारण से रूपकातिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पे सुंदर वर्णन किया गया है। और इन अलंकारों का चमत्कार एवं श्रृंगार रस के साथ साथ भाव काव्य का भी चित्रण बड़ा ही सुंदर द्रष्टव्य है। और इसके अंदर दोहा छंद है और दोहा छंद में बड़ा ही भाव गांभीर्य है, यानी कि इतनी अब उनकी युगल स्वरूप में उनकी उपासना भी हो गई और अपनी सारी विघ्न बाधाएं भी दूर करने की प्रार्थना हो गई। तो इस प्रकार से बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन किया गया है और यह ब्रज भाषा है, तत्सम मिश्रित शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे दोहा छंद का यहाँ पे वर्णन किया गया है। दोहा छंद वहाँ होता उससे कहते हैं कि यह जो दोहा छंद है यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके चार चरण होते हैं, विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु आते हैं। और प्रारंभ में जगण अर्थात की लघु गुरु लघु शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसमें दोहा छंद का भी बड़ा भाव गांभीर्य वर्णन हुआ है।